वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे, हमारे पीएम पीएम नरेंद्र मोदी जी को इनविटेशन मिला पाकिस्तान से। अक्टूबर में जो SCO मतलब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट है वो पाकिस्तान में होने वाला है, और उसी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में पीएम मोदी को इनविटेशन मिला कि आके पाकिस्तान में ज्वाइन करें अक्टूबर में। तो ये सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी जाएंगे ज्वाइन करने या फिर पीएम मोदी नहीं जाएंगे? जो भी लगता है कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे भी पता चले कि आपका क्या सोच है कि प्रेजेंटली इंडिया कैसे सोचते हैं और इंडिया का फ्यूचर में इंडिया क्या स्टेप ले सकता है। तो जो भी हो, आगे जाके इस बारे में हम लोग इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्ट प्रेजेंटली क्या कंडीशन है। मगर उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एग्जैक्टली ये SCO समिट है क्या। SCO एक ग्रुप है जिसमें प्रेजेंटली 9 कंट्रीज है, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, रशिया है, चाइना है, ईरान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है। तो बस इन लोगों को लेके ही SCO बनता है। 2001 में चाइना और रशिया मिलकर ये SCO ग्रुप जो है इसको फॉर्म किया था। धीरे धीरे इसमें कंट्रीज जो है वो एडेड होते गए। 2023 के डेटा अनुसार SCO दुनिया का 23% GDP और 40% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो होल्ड कर। इसके अलावा इस ग्रुप का मेन काम है टेररिज्म, सेपरिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इन सब के अगेंस्ट में लड़ना। साथ ही साथ ये रिलीजियस बेस्ड जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है उसको भी रोकता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, ये अपने तरफ से जो टेररिस्ट है उन लोग को ब्लैकलिस्ट करता है। और SCO के अंदर जो कंट्रीज है, अगर उन कंट्रीज में ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, SCO अपने तरफ से इनके अगेंस्ट में स्टेप लेता है। तो ये तो था SCO। अब आते हैं SCO समिट पे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि SCO का एक मेंबर पाकिस्तान भी है, और इस साल अक्टूबर में पाकिस्तान में SCO का समिट होने वाला है। ये जो समिट है ये काउंसिल ऑफ हेड जो है होते हैं उन लोगों का ही समिट है, और होपफुली इस बार इस समिट में रशिया, पाकिस्तान जो भी इन लोगों का मेंबर है सबके जो हेड है वो लोग आ सकते हैं। अब कौन कौन आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करता है हम लोग को। अक्टूबर में जब ये समिट होगा तब हम लोग को ये एग्जैक्ट क्लियर व्यू जो है वो मिल जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, ये SCO जो ग्रुप है इसमें सबसे ताकतवर अगर कोई कंट्री है वो कंट्रीज है चाइना और रशिया। ऐसा नहीं कि इंडिया का पावर नहीं है, इंडिया का भी बहुत अच्छा पावर है, मगर देखा जाए तो ये दो जो कंट्रीज है ये लोग इंडिया से भी ज़्यादा पावर होल्ड करते हैं SCO में। तो हम लोग को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन क्या है। अगर हम लास्ट 2-3 महीने में जम्मू कश्मीर को देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेररिज्म जो एक्टिविटी है ये काफ़ी बढ़ गया है, और जिसके वजह से गवर्नमेंट अपने तरफ से स्टेप लिया है। पहले तो सिर्फ कश्मीर में हो रहा था, और अभी जब कश्मीर में सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई है तब ये लोग जम्मू में भी ट्राई कर रहे हैं, और डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी जो टेररिज्म एक्टिविटी है ये हम लोग को देखने को मिलता है। जिसके वजह से इंडिया के जो क्रिकेट टीम है वो आज के डेट में पाकिस्तान नहीं जाते, पाकिस्तान में कोई क्रिकेट नहीं खेलते। ऑन द अदर साइड इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि भैया आप लोग टेररिज्म बंद करा, उसके बाद हम लोग इस बारे में सोचेंगे। अगर आप लोग ये टेररिज्म एक्टिविटी जो है ये सब बंद नहीं करते हो, टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी, तो हम लोग इसमें आपको इंटरटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये सब देखने के बाद भी पाकिस्तान ने अपने तरफ से हमारे PM को इन्विटेशन भेजा है कि आप आइए SCO समिट। तो आपको क्या लगता है कि हमारे PM जाएंगे इस SCO समिट में? अंदाजा से आप ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, PM अगर नहीं जाएंगे तो हो सकते हैं वो जयशंकर साहब को भेज दे, क्योंकि जयशंकर साहब जो है ये सब मामला में बहुत अच्छी तरह से इसको हैंडल करते हैं। और एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कि भाई PM नहीं जाएंगे मगर जयशंकर अपनी तरफ से इस समिट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। मगर मुझे नहीं लगता कि जयशंकर साहब भी इस समिट में जाएंगे। मुझे लगता है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकता है कि इसमें पार्टिसिपेट करें। ऑन द अदर साइड जयशंकर साहब प्रेजेंटली जिस तरह से हम लोगों का फॉरेन अफेयर संभालते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जाने वाले हैं। आगे जाके ही पता चलेगा कि PM मोदी या फिर जयशंकर साहब दोनों में से कोई जाते या फिर कोई और जाता है या नहीं। ऑन द अदर साइड क्या ये SCO समिट भी इंडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करता है या नहीं? तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये SCO के द्वारा जो टेररिस्ट है उन लोगों को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, हमारे जयशंकर साहब इंडिया के बिहाफ में एक नाम रेस किया जो कि जैश मोहम्मद का एक टेररिस्ट है जिसका नाम है रौफ अजहर। मगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम SCO में चाइना जो है वो अपने तरफ से ये नाम के अगेंस्ट में ब्लैकलिस्ट करना ठीक नहीं समझा, और चाइना अपने तरफ से ये टेररिस्ट का नाम ब्लैकलिस्ट में नहीं डाला। तो इससे पता ही चलता है कि भाई SCO कैसे चलता है, SCO में किन का बात सुना जाता है। ऑब्वियसली चाइना का बात सुना जाता है क्योंकि चाइना इसमें ज़्यादा फंडिंग करता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग दुनिया भर में देखें तो ऐसे बहुत सारा ग्रुप्स है जो 2-3 कंट्री या फिर 4-5 या फिर 10-12 कंट्री मिलकर बनाए, जिसमें वन ऑफ द अनदर ग्रुप है वो है ब्रिक्स, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना भी है। साथ ही साथ अभी अगर देखें ब्रिक्स में जो मेम्बर्स है वो धीरे धीरे ऐड होते जा रहे हैं,
और ये ब्रिक्स जो बना था ये 2006 में बना था। प्रेजेंटली साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई भी ब्रिक्स में मेंबर है। और आगे जाके दुनिया में बहुत सारा ऐसे कंट्रीज भी है जो लोग ब्रिक्स और एससीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी है। तो अगर देखा जाए ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को ही अगर सबसे ज़्यादा फंडिंग मिलता है तो वो चाइना से मिलता है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो चाइना में है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए चाइना का इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में जो इफेक्ट है ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये सब देखते हुए इंडिया के बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट है उन लोगों का कहना है कि आगे जाकर हो सकता है आने वाले 4-5 साल में ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मतलब ब्रिक्स और एससीओ एक साथ मिल जाए और ये लोग मिल के एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। तो प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लेवल पे काम करें, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के जो टीम मेंबर्स है हो सकते हैं इनमें से कुछ कॉमन से, जैसे कि चाइना है, रशिया है, इंडिया है, ये लोग सब कॉमन है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए दोनों ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका भी अलग है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन का जो सोच है वो भी अलग है। ऑन द अदर साइड दोनों ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा कॉमन चीज़ भी है, जैसे मैंने आपको कहा कि चाइना फंडिंग करता है, हेडक्वार्टर्स चाइना में है, बहुत सारे कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया हो, रशिया हो, चाइना हो, ये सब कॉमन है दोनों ऑर्गेनाइजेशन में। तो इंडिया के जो जियोपॉलिटिक्स स्पेशलिस्ट है उन लोगों का कहना है हो सकता है कि आने वाले 5 सालों में ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिल जाए और एक दूसरे के साथ मिल के ये लोग एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बने। और हो सकता है कि आगे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूएन के खिलाफ या फिर यूएन के अगेंस्ट में खड़ा हो। ऑन द अदर साइड बहुत सारे स्पेशलिस्ट है जो लोग ये भी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि आगे जाके जैसे कि ब्रिक्स के पास खुद का अपना बैंक है तो लोग अपने तरफ से एक नया करेंसी डेवलप करें जिसको वर्ल्ड ट्रेड में वो लोग यूज़ करने का कोशिश करें। क्योंकि हम लोग को पता है आज के डेट में अगर हम लोग देखें दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड में यूज़ होते हैं वो है यूएस डॉलर। तो इस यूएस डॉलर के अगेंस्ट में हर कोई कंट्री अपने तरफ से कोशिश कर रहा है कि भाई हम लोग का जो करेंसी है वो ग्लोबली यूज़ हो, मगर कोई भी कंट्री के पास इतना पावर नहीं है कि वो लोग अभी जाके यूएस डॉलर को रिप्लेस कर पाए ग्लोबल ट्रेड में। ऑन द अदर साइड अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे खड़ा हो जाता है जो ब्रिक्स और एससीओ को मिलाने से होता है और उन लोग के पास अपना बैंक रहता है, साथ ही साथ अपना करेंसी रहता है, वो लोग अपनी तरफ से डिसाइड करते हैं कि भाई हाँ हम लोग जो है हम लोग जब ट्रेड करेंगे तो हम लोग इसी करेंसी में ट्रेड करेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये सबसे जो मेजर इशू होगा ये होगा यूएस का। और आज के डेट में अगर आप देखें ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन में भी यूएस नहीं है और हो सकता है कि आगे जाके अगर ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिल जाता है तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिल के एंटी यूएस ग्रुप फॉर्म कर ले, जिसको लेके यूएस काफ़ी परेशान है। यूएस इस बात पे कम्प्लीटली नज़र डाला हुआ है कि आगे जाके कि भाई ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन अगर मिल जाता है तो वो लोग यूएस के अगेंस्ट में खड़ा होगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग हो सकता है कि कोई करेंसी डेवलप करे फॉर ट्रेडिंग, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग का जो इकोनॉमी है वो इफेक्टेड होगा और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दुनिया में चलता ही रहेगा। इसीलिए यूएस कभी भी नहीं चाहेगा कि आगे जाके ये ब्रिक्स और एससीओ एक साथ मिल जाए। ऑन द अदर साइड ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का जो पावर है एक साथ मिलके आगे वो लोग दुनिया के लिए कुछ सोचे या फिर कुछ करे। चाइना की तरफ से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होगा वो है चाइना का, क्योंकि आगे जाकर अगर चाइना ऐसा जुड़ जाता है तो चाइना का जो करेंसी है हो सकता है कि चाइना बोले कि भाई हम लोग का जो करेंसी है इसको यूज़ करते हैं ट्रेड के लिए, जिसमें चाइना का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। ऑन द अदर साइड चाइना के साथ यूएस का रिलेशन कैसा है ये सबको पता है कि आगे जाके ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कम्प्लीटली यूएस या फिर वेस्ट या फिर यूएन के अगेंस्ट में खड़ा हो जाए। तो ये जो सोच है अगर देखा जाए तो यूएस के लिए ये एक बहुत ही ख़राब ना ड्रीम है। ये सब सुनने के बाद आप कह ही सकते हैं कि भैया ऐसा तो कोई न्यूज़ हम लोग तो कुछ फॉलो नहीं किया या फिर कोई भी पॉलिटिकल लीडर तो ऐसा कुछ नहीं बोला, तो कैसे आप कह सकते हैं कि एससीओ में और ब्रिक्स दोनों मिल सकते हैं। अगर हम लोग 2023 में देखें तो कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने तरफ से एक स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है ये दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है, आगे जाके अगर वेस्ट कुछ भी करता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक्टिवली बाकी जो कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों के तरफ से ये खड़ा हो पाएगा। तो हो सकता है इन फ्यूचर हम लोग को ऐसा कुछ देखने को मिले, मगर प्रेजेंटली जो कंडीशन है उससे हम लोग को एक चीज़ तो क्लियर है कि हम लोग का जो पीएम है ये शायद इस बार ये जो एससीओ समिट है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मोदी जी तो कर भी सकते हैं और ऑन द अदर साइड मोदी जी वहाँ जाके अपना जो पॉइंट है वो रखेगा, इंडिया का जो पॉइंट है वो सबके सामने रखेगा, जिससे मेनली अगर देखा जाए तो भाई पाकिस्तान का ही मेजर इशू हो सकता है, जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मेजर इशू होगा वो पाकिस्तान का ही होगा। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी पार्टिसिपेट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग लास्ट बार जो एससीओ का समिट है उसमें भी देखें तो मोदी जी अपने तरफ से वो समिट को स्किप किया था और हम लोग के जयशंकर साहब वहाँ गए थे और वो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था।
इस बार SCO समिट में क्या होगा, इंडिया पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, और करेगा तो वो फिर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करेगा या फिर इंडिया के बिहाफ में कौन जाएगा, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है जब भी SCO समिट अक्टूबर में होगा पाकिस्तान में, तब सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के सामने प्रोवाइड करूँगा और इसको लेकर एक नया वीडियो भी बना दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे। अगर आपको ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में और भी जानना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU PAUL की जगह सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपको क्या देखना अच्छा लगता है, आपका सोच क्या है उन तक पहुँचता है, और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल में जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जब भी सब्सक्राइब कर रहे हैं मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा जो बेल बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, क्योंकि पर डे मैं आपको 3 से 4 वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ, और ये जो है एग्जैक्ट कोई पर्टिकुलर टाइम में नहीं आता, मगर जब भी आएगा ये आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा ताकि आप इंस्टेंट वीडियो देख पाए। आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।